एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया ए कैरिंग अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सच दैट Electric field is perpendicular to the sheet. Sir, uniform electric field ki baat kya bola tha? E such that electric field is perpendicular to the sheet. Find the charges appearing on left and right surfaces of the conducting sheet. Find the charges appearing on left and right surfaces of the electric field. Try to solve. क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? हमारे पास एक लार्ज कंडक्टिंग शीट है प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द शीट प्लेन ऑफ शीट. अपने बताना उसके राइट और लेफ्ट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी. तो चार्ज कितना होगा? कैसे कह रहे हैं? हमें ऐसे ही बन इस पे चार्ज क्यू है. हमने बताना है फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना और सेकंड पे कितना. So, इस पे मान लेते हैं एक्स और इस पे क्यू माइनस एक्स. तो एक्स और क्यू माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है.
एक सरफेस पे चार्ज क्यू बाय टू प्लस एप्सिलॉन नॉट ए, एक पे क्यू बाय टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए। देखो आया समझ के नहीं आया, क्लियर है? यस चलो एक आसान देता हूं, बोर्ड का प्रीवियस ईयर। अ पॉइंट चार्ज क्यू इन मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। पॉइंट चार्ज सॉरी माइनस क्यू एंड मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस रूट थ्री आर ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एज शोन। फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। बोर्ड का प्रीवियस है यहां से एक पार्टिकल रिलीज किया, इसकी स्पीड बतानी है व्हेन इट रीचेस सी, बिकॉज रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, रिंग इसको अट्रैक्ट करेगा। सबने बताना है स्पीड व्हेन इट रीचेस द सेंटर। स्पीड व्हेन इट रीचेस द सेंटर स्पीड व्हेन इट रीचेस द सेंटर के क्यू क्यू अपॉन रूट थ्री एम का अंडर रूट। के क्यू क्यू अपॉन रूट थ्री एम का अंडर रूट नहीं, अंडर रूट टू के क्यू बाय एम आर। अंडर रूट टू के क्यू बाय एम आर डायमेंशनली गलत है, से क्यों भी आएगा फिर वैसे गलत है। ऐसे क्वेश्चंस को तो हम मतलब फ्री के क्वेश्चन बोलते हैं कि लॉलीपॉप बांटे हैं सीबीएसई ने, ये गलत करोगे तो कैसे चलेगा? सर 1/2 अंडर रूट 3 के क्यू क्यू बाय एम आर। नहीं जी हाँ अंडर रूट रूट 3 के क्यू बाय एम आर। हाफ अंडर रूट रूट थ्री के क्यू बाय एम गलत है। एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप। पोटेंशियल एनर्जी पी पे ज्यादा है सी पे ज्यादा?
सर पी पे ज्यादा होगी, पी पे ज्यादा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल कितनी है पी पे? पोटेंशियल एट पी क्या था इस क्वेश्चन में, एक फॉर्मूला लिखना था बस। ये सबको समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एट पॉइंट पी सही को बता दो, ये डिस्टेंस आ रही है रूट थ्री आ रही है कितना? टू आर। दैट मीन रिंग के सारे पार्ट्स का डिस्टेंस पॉइंट पी से टू आर ही होगा। Yes. तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल चार्ज लेता डी क्यू, इसकी पोटेंशियल कितनी थी? तो पूरे रिंग की निकालनी है तो इंटीग्रेट डी क्यू के इंटीग्रेशन क्यू, और सेंटर पे निकालनी है तो सिमिलरली के क्यू बाय आर, बिकॉज सेंटर पे सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस आर है। So change in potential energy is equals to change in kinetic energy, and decrease in potential energy is increase in kinetic energy, and you will get the result. Clear? देखो सबको, 3 marks थे board में, and it's very easy. सर एक बार acceleration वाले से भी करके दिखा दो, गलती नहीं समझ में आती। नहीं करूँगा मैं। Because हमने पोटेंशियल पढ़ा इसलिए था ताकि हम वेरिएबल फोर्स के चक्कर में ना पड़े, वहां पे फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन से करता हूँ तो एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है एक्सिस पे, तो पोटेंशियल तो पढ़ा ही इसलिए कि हमने वेरिएबल्स के चक्कर में ना आने, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो आप पोटेंशियल से क्यों करोगे? Okay, sir. Next to right. एक और बोर्ड का प्रीवियस से लिखो, टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स, टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स, टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स हैव रेडियस आर एंड टू आर, एंड आर चार्ज्ड सच दैट
both have same charge density. Such that both have same charge densities. The spheres are located far away from each other and connected by a thin conducting wire. Find the new charge density on the bigger sphere. Find the new charge density on the bigger sphere. क्वेश्चन समझ आया? दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस आर, एक का टू आर, लार्ज डिस्टेंस पे हैं। इन पे चार्ज डेंसिटी दोनों पे सिग्मा, तो जब उन्होंने वायर से कनेक्ट कर दिया तो बिगर स्फीयर की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सब हमारे को दो कंडक्टिंग स्फीयर दिए थे, एक का रेडियस आर, एक का टू आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सर आ गया 5/6। ये सर बड़े वाले का 5/6 आ गया, छोटे वाले का 5³/3 आ रहा है। और ये खुशी की बात नहीं है, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, बिकॉज पहली बारी में सिर्फ एक ने ठीक निकाला। इस पे चार्ज क्यू, इस पे 4q। कनेक्ट करने के बाद इनकी पोटेंशियल हो गई सेम। तो इस पे चार्ज क्यू डैश, इस पे क्यू डैश बाय 2। तो मैं कह सकता हूं 3q′/2 = 5q। ठीक या गलत? जिनका हो गया वो भी देखो मेथड। पहले इस पे सिग्मा और आर था, तो क्यू कितना है बेसिकली, और यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? मतलब 16 σ × 4πr², सॉरी 16 σ × πr² That means 4 × q। ये अगर q है तो 4q है। ये मैंने क्या किया, हमने कहा था अगर दो कंडक्टर्स की पोटेंशियल सेम होती है तो q₁/q₂ इज r₁/r₂, जिसका रेडियस डबल उस पर चार्ज भी डबल। इसका रेडियस 2r था, इस पे चार्ज q′, इसका रेडियस r था, इस पे चार्ज q′/2। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज 5q है तो फाइनल भी 5q ही होना चाहिए। तो मेरे पास q′ कितना आ गया, q′ come out to be 10q/3, और सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लो, चार्ज पर यूनिट एरिया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो लगाना था सिर्फ। चार्ज डेंसिटी कितनी होगी ऑन बिगर स्फीयर, q′ upon 1 आएगा इससे आंसर?
किसका मास बड़ा किसका कम हुआ? किसका मास बड़ा और किसका मास कम हुआ? सर बड़े वाले का। बड़े वाले का क्या? मैंने पूछा किसका बड़ा किसका कम हुआ, तो बड़े वाले का बड़ा है या कम हुआ है? बड़ा है बड़े वाले का। क्यों क्यों बड़ा क्यों है? नेगेटिव चार्ज आएगा ना, बिकॉज उसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए दूसरे बॉडी से, उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। सिग्मा से 5/6 सिग्मा हो गई है, चार्ज डेंसिटी कम हुई है, मतलब इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस इट्स मास विल इंक्रीज। नेक्स्ट यू राइट, रिवाइज करने के जो है था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से। Three identical uncharged spheres A, B and C, each of radius A, are kept at the corners of equilateral triangle. Are kept of radius A are kept at the corners of equilateral triangle of side D. Bracket me, you can write D very much greater than A. Equilateral triangle of side D, D is very much greater than A. The fourth sphere of same radius A, which has charge Q, the fourth sphere which has same radius A touches A, which has charge Q, touches A and is then removed to a position far away. Touches A and then is moved to a position far away. B is earthed and then earth connection is removed. B is earthed and then earth connection is removed. C is then earthed. Find the charge on C. Find the charge on C. Find the charge on C. हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया। ट्रायंगल बड़ा क्यों नहीं हो रहा? इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड तीन स्फीयर placed at three corners. इनका रेडियस a है और अनचार्ज्ड है। ये डिस्टेंस d है एंड d इज गिवन एज वेरी मच ग्रेटर देन a.
हमें दिया एक फोर्थ स्फीयर लेके आए जिस पे चार्ज क्यू था, उसको ए के साथ टच किया और फिर बहुत दूर ले गए। फिर हमने बी को अर्थ कर दिया, फिर अर्थ कनेक्शन हटा दिया, फिर सी को अर्थ कर दिया, तो सी पे चार्ज कितना है ये बताना है। क्वेश्चन समझ आया पहले? सर बी के बाद अर्थिंग, बी की अर्थिंग के बाद सी के साथ क्या किया? सी को अर्थ कर दिया, फिर सी पे चार्ज कितना, पहले ए से टच किया, ए से टच किया उसको बहुत दूसरे फोर्थ स्फीयर को बहुत दूर ले गए। ए और फोर्थ स्फीयर को जब आप टच करोगे तो वो अपना चार्ज शेयर कर लेंगे बिकॉज आइडेंटिकल स्फीयर्स दिए हैं, तो ए पे भी चार्ज q बाय टू और फोर्थ स्फीयर पे भी चार्ज q बाय टू। फिर आपने फोर्थ स्फीयर हटा दिया मतलब ए पे चार्ज बच गया q बाय टू। फिर हमने बी को अर्थ कर दिया जब ए पे चार्ज q बाय टू है, और आंसर जो है डी और ए की टर्म्स में दिए हैं, आंसर डी और ए की टर्म्स में दिया है, मतलब यू हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन वन स्फीयर ऑन द पोटेंशियल ऑफ अदर ऑल्सो। जब हमने B को अर्थ किया तो B पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा सच दैट इसकी पोटेंशियल जीरो होनी चाहिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q बाय टू ऑन A, दैट शुड बी जीरो। फिर हमने अर्थ का कनेक्शन रिमूव कर दिया, अब A पे भी चार्ज है B पे भी चार्ज है, C को अर्थ कर दिया तो C की पोटेंशियल जीरो होनी चाहिए, तो C पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ से क्यू डबल डैश, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है सो दैट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन थ्री स्फीयर्स शुड कम आउट टू बी जीरो। समझ आया क्वेश्चन करना क्या है? पहले सिंपल था, फर्स्ट और फोर्थ को टच किया तो दे विल शेयर देयर चार्जेस q/2 q/2। तो ए पे q बाय टू है, बी को अर्थ किया तो बी पे चार्ज क्यू डैश इंड्यूस हुआ सच दैट बी की पोटेंशियल जीरो, बी के सर्फेस की। फिर वो अर्थ कनेक्शन हटा लिया, फिर सी को अर्थ किया। लिखो कंसेप्ट तो लिखो पहले। Initially when fourth sphere is touched to first, initially when fourth sphere is touched to A, its potential becomes equal and charge on both the spheres will be q by 2. And charge on both spheres is q by 2. Fourth sphere is moved to a position far away. Fourth sphere is moved to a position far away. Therefore, fourth sphere is moved to a position far away, therefore charge on fourth sphere will not affect, the potential of other three spheres. When B is earthed, the potential of surface of B will be zero. Due to its own charge and charge on A. पहले ये निकालो, चार्ज B पे कितना इंड्यूस होगा जब उसको अर्थ कर दिया? minus qa by 2d, बाकी सब भी करो इसको। Yes, yeah. Because हमें दिया है कि b को अर्थ किया तो b के सरफेस पे पोटेंशियल जब हम निकालेंगे
ए पे चार्ज के कारण के क्यू बाय डी अपने चार्ज के कारण के क्यू बाय ए दिस शुड बी जीरो इंप्लाइज क्यू वन इज माइनस क्यू ए बाय टू डी. नाउ अर्थ कनेक्शन इज रिमूव्ड एंड सी इज अर्थड. Now, earth connection is removed and C is earthed. Therefore, potential of C due to charge on all three spheres should be zero. A pe charge ke karan, B pe charge ke karan kitni ho jayegi? यही बनेगी बी पे चार्ज के कारण. सो ए बी साथ में, ए बी साथ में, और सी के कारण दिस शुड बी जीरो. ने कॉमन लिया है ए बाय डी. थर्ड टर्म में सी नहीं आएगा नीचे? सी तो है ही नहीं, रेडियस तो ए ही है सबका. सी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. सो ये चार्ज आएगा, चार्ज ऑन सी. Q by 2 को भी कॉमन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो. अगर मैं Q by 2 को भी कॉमन ले लूं, माइनस Q A by 2 D, D माइनस A by D. देखो क्लियर है सबको स्टेप्स? सर वन माइनस ए बाय डी करने दे. क्या वन माइनस? वो एक ही बात है, वन माइनस ए बाय डी पे छोड़ दो. दैट्स मैथ्स, उसकी इतनी चिंता नहीं रहती मेरे को. कैसे मतलब वन माइनस ए बाय डी लिख रहे हो या डी माइनस ए बाय डी लिखो तो एक ही बात है ना. नहीं सर, मतलब जैसे वन माइनस ए बाय डी को निग्लेक्ट कर सकते कि मतलब जैसे A by D is very less than one. नहीं, उन्होंने आंसर में निगलेक्ट करके नहीं दिया था, ये एमसीक्यू दिया था मैंने. ओके सर, तो उन्होंने ऐसे ही आंसर छोड़ा हुआ था. नेक्स्ट राइट. The electric field on two sides of large charged plate is 8 newton per coulomb and 12 newton per coulomb as shown.
Find the charge density on the plate. Find the charge density on the plate. Find the charge density on the plate. अब silent not के terms में answer दिए हुए हैं. Answer अब silent not. As electric field intensity is in the same direction on both sides, it implies that there is some external electric field which is more than the electric field intensity due to sheet. On the right side of the sheet, external field and field due to sheet are in the same direction. And sir, ek baar repeat kar do. Intensity due to sheet kya kya bola tha? Ab mere ko pata nahi yaar. अब अपनी लैंग्वेज में लिख लो ना. मैंने यही लिखा, एक्सटर्नल फील्ड और फील्ड ड्यू टू शीट दो हैं. ऑन राइट साइड एक्सटर्नल फील्ड एंड फील्ड ड्यू टू शीट आर इन सेम डायरेक्शन एंड ऑन लेफ्ट साइड देर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो एक्सटर्नल फील्ड को ई नॉट ले लो. तो ये हो गया ई नॉट प्लस ई एस और ये हो गया E naught minus ES. और epsilon naught E naught plus ES is 12, E naught minus ES is 8. तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को गलत नहीं करते कि दोनों का फील्ड ऑपोजिट में ही होना चाहिए. आपको सोचना पड़ेगा उन्होंने दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में क्यों दिया है. बिकॉज अगर मैं कंसेप्ट बता दूंगा फिर मैथ्स तो आप कर ही लोगे. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको क्लिक करना चाहिए कि व्हाई दे हैव गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इन द सेम डायरेक्शन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट. मतलब इस शीट के अलावा भी कोई फील्ड है जिस जो इस रीजन में है. तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में फील्ड की डायरेक्शन गलत दे दी. बिकॉज अगर एक्सटर्नल फील्ड ना होता फिर तो दोनों साइड पे सेम ही होना था. क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट टाइम करते हैं. आज वाले क्वेश्चंस ध्यान से देखना. थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े कंसेप्चुअल थे. सिर्फ दो या तीन हमने बोर्ड वाले किए थे, वो भी ठीक से नहीं निकाले आपने. सो इसलिए आज के सारे क्वेश्चन दोबारा देखना एक बारी. सो कल करते हैं फिर रेगुलर टाइम पे क्लास. आज वाले में कोई डाउट हो तो मेरे को सेंड कर देना फोटो खींच के जिस पॉइंट में डाउट हो.